He killed 80 people in 2 days. Be afraid. I fought when I was needed. क्या मार्वल स्टूडियोज की न्यू फिल्म इटर्नल्स तोड़ पाएगी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का रिकॉर्ड? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में, एंड टुडे वी आर हेयर विद द रिव्यू ऑफ इटर्नल्स। देखिए भाई, दिवाली वीकेंड है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए सबसे किफायती हफ्ता माना जाता है ये वीक, और बरसों से बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में रिलीज होती आई हैं दिवाली वीकेंड पर। इस वीकेंड भी OTT से लेकर थिएटर तक कई बड़ी फिल्में आई हैं। इन कई में से एक हॉलीवुड फिल्म इटर्नल्स हम आपके लिए देख कर आए हैं। कैसी है हमारी इंटरनल फीलिंग फिल्म देखने के बाद, यही बताएंगे आज के रिव्यू में। फिल्म की कहानी बहुत ही टिपिकल है। मार्वल के एलियन गॉड हैं सेलेस्टियल्स। ये अपनी जादुई शक्तियों से 10 सुपर हीरोज को बनाते हैं ताकि ये हीरोज धरती की रक्षा दुष्ट डेवियंट से कर सकें। इटर्नल 7000 सालों से धरती पर बाकी दुनिया से छिपकर इंसानों के रूप में रह रहे हैं, चुपचाप बिना किसी को भनक लगे मानव प्रजाति की मदद करते आ रहे हैं। गुप्ता पीरियड से लेकर हिरोशिमा कांड तक आम मानव की आम रूप में हेल्प करते आ रहे हैं। फिल्म शुरू होती है एवेंजर्स एंडगेम के बाद की टाइमलाइन से। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका अब नहीं है। ऐसे में धरती को दुष्ट डेवियंट से बचाने के लिए इटर्नल्स फिर इकट्ठा होते हैं। क्या इटर्नल्स दुनिया को बचाने में कामयाब होते हैं, या डेवियंट्स के आगे इनकी शक्तियां कम पड़ जाती हैं, ये आपको मालूम पड़ेगा फिल्म देखने के बाद। बात करें कास्ट की, तो मार्वल ने इटर्नल्स की कास्टिंग फिल्म को नजर में रखकर कम और ग्लोबल मार्केट को नजर में रखकर ज्यादा की है, इसलिए हर मूल के एक्टर को टीम का हिस्सा बना लिया है। जैसे फिल्म में आंखों से कॉस्मिक ऊर्जा निकालने वाले इकारिस का रोल किया है गेम ऑफ थ्रोन्स वाले रॉब स्टार्क रिचर्ड मैडन ने। अगली है सर्सी। दुश्मनों से लड़ने के साथ साथ इनकी और इकारिस की लव स्टोरी भी फिल्म में चलती रहती है। इस चक्कर में फिल्म थोड़ी भटक भी जाती है। सर्सी का रोल किया है जेमा चैन ने। जेमा इससे पहले कैप्टन मार्वल में भी नजर आ चुकी हैं मिनर्वा के रोल में। अगले हैं किंगो। हाथों से कॉस्मिक एनर्जी निकालते हैं। आम लाइफ में किंगो बॉलीवुड एक्टर बन गए हैं। इस रोल को निभाया है कुमैल नांजियानी ने। कुमैल का काम अच्छा है, लेकिन जो उन्होंने एज अ बॉलीवुड एक्टर इंडियन एक्सेंट पकड़ने की कोशिश की है वो बहुत ही लेम लगता है। नेक्स्ट है स्पिरिट। ये देखने में तो छोटी बच्ची लगती है, लेकिन असल में सबसे उम्र दराज है। इस किरदार को निभाया है लिया ने। कहना पड़ेगा लिया का काम फिल्म में सबसे उम्दा है, और हाँ, लिया सिर्फ 14 साल की है। अगली है मकारी। इनकी सुपर पावर है रफ्तार। मकारी को कान से सुनाई नहीं पड़ता है, लेकिन रफ्तार में बिजली से भी तेज है। ये भूमिका निभाई है लॉरेंट रिडलॉफ ने। लॉरेंट ने अपने किरदार के लिए मेहनत की है, ये उनकी परफॉर्मेंस में दिखता है। एक धावक की जिस हिसाब से मसल्स होनी चाहिए, लॉरेंट ने वैसी मसल्स बना रखी हैं। अब बात करते हैं सबसे ताकतवर इटर्नल गिलगमेश की। इस रोल को किया है डॉन ली ने। अपने जॉन स्नो यानी किट हैरिंगटन ने म्यूजियम में काम करने वाले डेन विटमैन का रोल किया है। इटर्नल्स लीडर एजैक के रोल में है सलमा हायक। सलमा का अभिनय बहुत कमाल रहा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडियन एक्टर हरीश पटेल फिल्म में किंगो के मैनेजर करुण के रोल में है। हरीश के सीन कम ही है, लेकिन जितने भी सीन में वो आए खूब हंसाया। वी होप इस फिल्म के बाद उनके करियर को अच्छा बूस्ट मिलेगा। बात की जाए स्टोरी लाइन की, तो इटर्नल्स के साथ वही हुआ जो आज से 10 साल पहले रावण के साथ हुआ था। वही जो किसी चाइनीज से डोसा बनवाने और मद्रासी से नूडल बनवाने पर होगा। वही जो कॉमन मैन द्वारा पॉलिटिक्स बदलने की कोशिश में होता है। रायता फैल गया। मार्वल वालों, आपको क्या लगा? एवेंजर्स की तरह एक और टीम खड़ी कर दोगे? जनता खुश होगी, शाबाशी देगी? इतने सारे सुपर हीरोज के बारे में समझने में ही 50% ब्रेन उलझ गया। किसकी क्या पावर है, क्या पंगा है, बहुत देर में समझ आया। फिल्म में आगे कभी कैरेक्टर्स की ह्यूमन साइड को दिखाया जाता, फिर कट टू एक्शन होने लगता। ये पावर ऑन एंड ऑफ फिल्म को लगातार बोरिंग बनाते रहे। और हाँ, एज अ इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर्स को एक बात कहना बहुत जरूरी है कि भाई साहब, इंडिया में आपको सिर्फ गरीबी और स्लम ही नजर आते हैं, और इंडियन फिल्मों में सिर्फ रंग बिरंगे कपड़े और टिपिकल भरतनाट्यम डांस नजर आता है क्या? फिल्म में कुमैल इंडियन एक्टर बने हैं, और उन्हें इतना टिपिकल इंडियन एक्टर बनाया गया है कि पूछो नहीं। जैसे अपने यहाँ 70s में होते थे, उनसे भी चिरांत। हॉलीवुड वालों, हमारी नई फिल्में देख लो यार, और ये स्टीरियोटाइपिंग बंद कर दो। खैर,
यहाँ फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स की तारीफ बनती है। पूरी फिल्म के दौरान काफी मनमोहक सीन्स आते हैं। फिल्म का एक यही पहलू है जो दिल खुश करता है। इटर्नल्स को लिखा है मैथ्यू और रायन फिप्रो ने। सैडली राइटिंग के मामले में इटर्नल्स दूर दूर तक एवेंजर्स के बराबर नहीं आ पाती। फिल्म का ह्यूमर बहुत ही बचकाना और पुरानी डिज्नी फिल्मों जैसा है। एक तो इतने सारे कैरेक्टर एक साथ फिल्म में आ जाते हैं, ऊपर से ऑडियंस से उनका सीन्स के द्वारा परिचय करवाने के बजाय ज्यादातर किरदारों को तो यूं ही बोलकर इंट्रो करा दिया जाता है। बात करें डायरेक्शन की तो इटर्नल्स को डायरेक्ट किया है ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर क्लोई झाओ ने। इस साल दुनिया भर में सारे प्रतिष्ठित अवार्ड समारोह में क्लोई झाओ की फिल्म नोमैडलैंड ने और क्लोई ने अपने बेहतरीन निर्देशन के लिए ढेरों इनाम जीते हैं। झाओ ने पहली बार सुपर हीरो फिल्म डायरेक्ट की है और बस यहीं सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई। संवेदनशील फिल्म बनाने के लिए विख्यात क्लोई ने मार्वल फिल्मों की रीत को बरकरार रखने की कोशिश करते हुए अपना एलिमेंट डाला, लेकिन फॉर्मूला बुरी तरह फेल हो गया। कोशिश एकदम विफल गई है। फिल्म देख ऐसा लगा मानो किसी साइकिल राइडर को स्पोर्ट्स बाइक का हैंडल पकड़ा दिया हो। फिल्म में ऐसा लगता है जैसे 15-20 कहानियां एक साथ चल रही हैं। बॉटम लाइन, इस फिल्म के डूबने की मुख्य वजह ढीला डायरेक्शन है। डायरेक्शन के मामले में क्लोई ने मार्वल फैंस को बहुत निराश किया है। तो दोस्तों, क्या ये फिल्म देखनी चाहिए? देखिए भाई, हमारी जनरेशन मार्वल फिल्मों पर बड़ी हुई है। आयरन मैन से लेकर एंड गेम के बीच जितनी भी मार्वल फिल्में आई, किसी में कम तो किसी में ज्यादा, लेकिन मजा सब में आया। लेकिन इटर्नल पहली फिल्म है जिसमें मजा तो दूर की बात, उल्टा दिवाली का मजा भी खराब हो गया। इससे ज्यादा मजा तो रात की जली मोमबत्ती का बचा हुआ मोम जमा करने में आ जाता। खैर, हम मजबूर हैं लेकिन आप नहीं। बाकी निराश ना हो, चाहे तो कोई पुलिस वालों की पिक्चर देख लो, क्या समझे? आपको इटर्नल्स कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।